हाँ भाई, कुछ पता चला आरती का सेंटर कहाँ गया? ना अभी तो कोई पता ना चला, जब आरती आवे जब पता चले। लो आरती तो आ गई। नमस्ते मम्मी। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। आरती, कुछ पता चला सेंटर कहाँ गया? हाँ, सेंटर हरिपुर पड़ा है और सोमवार से पेपर शुरू हैं। हरिपुर? इतनी दूर? वही वाला हरिपुर जिसके बराबर में ताऊ सुखबीर की लड़की गीता की ससुराल है? हाँ हाँ, वही वाला हरिपुर। हाँ, नकल चल जागी वहाँ। नकल? अब लो तो नकल की दिक्कत ही, अब एक दिक्कत और होगी। अब इसे इतनी दूर लो, रोज कौन लाओगा कौन ले जाओगा? हाँ, यू भी बात सोचने की है। खैर, इतनी दूर का भी हल निकलेगा। जब सेंटर पड़ा है तो भेजेंगे, पेपर तो दिवाने ही है। ऐसा करें, गीता के यहाँ रह के दे लेगी पेपर। हाँ यू ठीक है, वहाँ पामना भी नकल का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर पहले सुखबीर से बात करनी पड़ेगी। छोरी तो उसी की है ना गीता? लो ताऊ का नाम लिया, ताऊ हाजिर। ताऊ जी राम राम। अरे कैसे याद करा जा रहा ताऊ को? ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नाम क्या, हम तो यूं कह रहे आरती का सेंटर हरिपुर पड़ा है और वहीं पास में गीता की ससुराल है, क्यों ना आरती वहीं रह के पेपर दे ले वे? और वो तो नकल का भी ब्योंत लगा देंगे। यहाँ सूदने से हरिपुर की दूरी कितनी है? 40-45 किलोमीटर सारी है। अगर तड़की 7 बजे भी पेपर होगा तो आसो 5 बजे छोड़ जा करेगा, तो भी टाइम से पहुँच जा करेगी। तू 40-45 किलोमीटर कम मान रहा? सारा दिन लग जाओगा लाने ले जाने में, ऐसे टाइम में तो रिश्तेदारी काम आवे। और वहाँ सेंटर पे भी उनकी जान पहचान होगी। तुम समझ नहीं रहे बात को, वहाँ रिश्तेदारी का मामला मैं न्यू मना कर रहा। ऐसे मौकों पे ऐसी बातों पे ध्यान ना दिया जाता, जैसी तुम सोच रहे हो। आरती समझदार लड़की है। ठीक है भाई, भेज दे जब थारी ऐसी मर्जी। वो मैं भूस के लिए कह रहा था, तेरी कितने में बात बनी? मैं सोच रहा मैं भी डलवा दूं भूस। 2050 में डाली थी एक बुग्गी। ठीक है, तो ताऊ फोन कर दियो गीता की ससुराल। हाँ, मैं जमील से भूस की बात करी हूँ, फिर बात कर लूंगा मैं। ठीक है। पेपर दीदी के यहाँ रह के? वाओ, उनसे तो मिले भी काफी दिन हो गए। बेटा वहाँ अपने काम से काम रखियो, फालतू लोगों से बात मत करियो। जा भाभी रोटी खाल दे। अरे तू एक काम कर, घेर में जा, तेरे पिताजी के लत्ते पड़े उन्हें ठा ला। मैंने जा रहा घेर में, जब देखो तुम काम ही बताते रहे हो सारे के सारे। अरे डोलची में छा भरी धरी, उसे कुंती का दिया। जिसे जरूरत होगी अपने आप ले जाओगा, मतलब छाए भी हम दे के आओगे। अरे इस बाल्टी का गंदा पानी खिंडा गया, खड़ तो भिगो से गए, ये यू भी नहीं कर सकता तू। बैठन मत दिया मुझे। ले कर ही दू ना, न्यू कह जाओगी यू कर दे वो कर दे, यू ना करता है वो ना करता है। अरे कहा यहाँ ना गिरे, बाहर खिंडा दे नाली में। बाहर गिर गाऊ नाली में? हाँ भैया, अभी न्योरी बहुत करती है। अरे अरे आ, यू क्या कर दिया? ओसी जी नमस्ते। राम राम बेटा, तू तो सारी आ जाओ। आजो माँ जी, ये है आरती और आंसू को तो आप जानो ही। नमस्ते बेटी। ओहो, अरे ये तो आंसू है, ये तो साला अपना। मैं सोच रहा कोई गलती होगी दिखे, क्यों भाई साले? तेरे तो एक काम बताया था, वो भी ढंग तना हुआ। जगीता तौलिया लेके आ, लल्ली चल भीतर को, लल्ला तू भी चल। आशु जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। जीजा जी, अरे बारह तो धूप निकल रही, तुम कौन सी बारिश में भीग रहे भाई? बारिश बारिश में ना, ये अनिल क्या करम है? अच्छा इसमें भी मेरी गलती है, ये ना देख सके थे मुंह उठाओ चले आ रहे हैं, अगवे में पानी गेर रहा हूँ, काम कर रहा था मैं। काम कर रहा था तू तो? माँ तू कई बार समझा ली, इसे काम मत बताया कर, इसे तड़के खवा पिया कर ना, मोटरसाइकिल की चाबी दे दिया कर। तुझे दहेज में हेलीकॉप्टर के मिल गया, इसी बात को गाता रहे, संभाल इस टाम टमेरी को, मैं ना हाथ लगाने का हूँ। आ जा बेटी, इसके तो यही करम रहेंगे। कोई बात नहीं मौसी जी, ये सब तो अनजाने में हुआ था।
और वैसे भी हर इंसान का अपना एक स्वभाव होता है। हमें कमियों को छोड़ के अच्छे गुणों पे ध्यान देना चाहिए और अपने काम पे लगे रहना चाहिए। शाबाश, दिल जीत लिया। और भाई आशु, तू सुना, घर में सब ठीक ठाक है? हाँ, घर में सब ठीक है। मम्मी कह रही थी गीता को लेके एक चक्कर मार आना घर पे। हाँ आऊंगा, दो चार काम अटक रहे हैं, उन तनी बट लूं। अब तुम चाय नाश्ता करो, उनका पिताजी मेरी बाट देख रहे होंगे, मैं चल रहा हूँ। ठीक है जी अजी। और हाँ, चाची का फोन आया था, वो तेरी निकल के लिए कह रही थी। मेरी मास्टर से बात हो गई है, सारा बंदोबस्त हो गया है। अरे ओ मंद्रासी, कहाँ भागा जा? यार कहाँ भागा जा रहा, पिताजी ने बहुत जरूरी काम बताया, बस अभी निपटा के आऊं। ऐसा के काम बता दिया पिताजी ने? काम के, खेतों पे तड़के ते पानी चल रहा, अब ले तो भर लिया भी होगा, निगाह मार के आऊं। भर जान दे, थोड़ा बहुत पड़ोसियों का भी भला हो जान दे करो, उनके जुआर बुरी है पड़ोस में। सेब लो, संतरा लो, रनील लो, वो देख चीकू वाला। सेब लो, संतरा लो, चीकू लो, आज तो चीकू खवा दे। चल सेब लो, संतरा लो, चीकू लो। राम राम चाचा। राम राम बेटा, राम राम। चाचा ये आलू कैसे दिए? बेटा ये आलू ना चीकू है, चीकू। चाचा हम सिकलते ही तो पागल से लगते होंगे, तू तो सच्ची बेवकूफ मान रहा है। कैसी बात कर रहा है बेटा, ये चीकू है, चीकू। यार अनिल, चाचा तो हमें शिकारपुर का समझ रहा। बताता हो तो बता देना, तो हम कहीं और तक खरीद लेंगे। अब तुम मेरे चीकू को आलू बताओगे तो मैं भाव कैसे बताऊंगा? तो अब थारे कहने तो हम आलुओं को चीकू मान ले। मैं लो बेटा, तुम खा के बताओ ये आलू है या चीकू। माफ करिए चाचा, ये तो वाकई चीकू है, पर चाचा हमें तो आलू खरीदने थे। आलू, कलयुग में भी कितने भले बच्चे हैं, चीकू को भी आलू बता रहे हैं। बनाएंगे ना तेरे तो चीकू ही है, मेरे भाई के सारे तरबूज खा गए, काशी फल बता के छोड़ दे ना। छोड़ने का तो नाम ही ना ले मेरे से, मेरे जरूर ना है टाइम इतना। देखो जी, आरती को पेपर दिलाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, वो दूसरे घर से आई है, उसे समय से लाने ले जाना तुम्हें ही पड़ेगा। यहाँ इतने काम पड़े हैं और उसका पेपर भी 3 घंटे का है, मैं कर गया तो नील फिर भी कुछ ना करने का, इससे तो वही उसे छोड़िया होगा। हाँ यू भी ठीक है, छोड़ के आने के साथ साथ लेके भी आना है। ओ लाट साहब, यहाँ को आ जा। के बात है, कल तारती की पेपर है, उसे टाइम पर लाने ले जाने की जिम्मेदारी तेरी है। मैं क्यों लेके जाऊँ, मैं तो ना लेके जाता। तो जगह परेशानी है? परेशानी के बात है, तेरी साड़ी है, तू छोड़ के आओगा, और वैसे भी कौन सा सारे काम मेरे जुम्मे है। सारे काम रद्द कौन से काम करा है? क्यों मैं काम ही ना करता? यही तो मैं कह रहा हूँ, तू काम ना करता। और नहीं तो बता कौन सा काम करा है तने, अगर तू पिछले महीने का एक भी काम बता देना तो मान जाऊँ मैं। महीने भर की के बात करे, मैंने कल ही काम करा। कल कौन से पहाड़ खोदते है तने? कल बाल्टी का पानी ना बाहर फेंक क्या मन ने? अब उसे काम करना काम है या फैलाना काम है? महीने भर में एक काम करा है वो भी उल्टा, और 4-5 दिन पहले चिलम भरी वो भी उल्टा काम था। बकवास तो कर ना, इन तो पैर को चला लिया कर, जंग लग जाएगा इनमें, इसे तू ही छोड़ का होगा। अनिल समझ बात को, एक तू ही तो है जिसे मैं अपने काम बता सकूं। मेरा प्यारा बाबू कैसा? ज्यादा चिलत्तर मत बताओ तुम मुझे। पिताजी देख लो, मैं इस आरती को लाने ले जाने की कह रहा, उसे भी चिलत्तर बता रहा है। अरे ये क्या है, जब तुझे को काम की कह दे तो तू चिलत्तर बताने लगे है, हैं? जब तुझे एक बार कह दी तू छोड़ का होगा तो तू ही छोड़ का होगा, अरे ना तू मुझे जाने फिर। अब मैं फिर का मान रखा हूं, जो भी आवे सब मुझे ही काम बता। मैं अरे के बात है वसंती, रोज रोज नहा के तो तेरा रंग चोखा हो गया है, ले और ना। रे के बात है, हैं? तेरे चेहरे की कैसे धूल सी उड़ी हुई है। अरे हम तो इन घर वालों से दुखी हैं। क्यों, के हो गया, के बात हो गई रे? घर में जावे बाद में, काम पहले। एक बार महारानी आके बैठ गई। महारानी? पेपर उसके हैं, छोड़ के मैं आऊंगा। हम कभी अपने पेपरों में भी गए हैं टेम पे?
कौन सी महारानी? अरे विनोद की साली है। साली साली, अबे तेरी तो मौज आ गई है। यू काम तेरे तक ना होवे ना, मैंने बता दे मैं करूंगा। यह बात तो तू ठीक कह रहा है, पिताजी से बात करिए जाके। अच्छा पढ़ाई चल रही है? अरे दीदी आओ बैठो। नाना तू पढ़ती रह, किसी चीज की जरूरत हो तो बता। नहीं दीदी, जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी। आरती देख, तू अनिल की किसी बात का बुरा मत मानियो, वो तो ऐसी वैसी हरकत करता ही रहवे। दीदी आप तो मेरी आदत जानती हो, फिर भी ऐसी बात कर रही हो। ले बेटी घी बुरा खा। अरे तुम बिना हाथ धोए खा लेते हो। आरती के लिए ले आई थी मैं और तू खा लगया। खाओगी या और ढोंगे हम, घी की से जरूरत है हमें। मैंने तो बस हाथ धोने के लिए ही कहा था। तू पेपर देना आई है ना, बस उस पे ध्यान दे। जल्दी मेरा कमरा खाली कर, मुझे नींद आ रही है। यू कहीं ना जाएगी, यू यहीं रहेगी और यहीं पढ़ेगी। या यहीं पढ़ेगी तो हम कहाँ पढ़ेंगे? तू छत पे जा, वहाँ पढ़। छत पे? वहाँ पूरी रात मच्छर भी पड़ाऊ जाए। नू कर तो अपने पिताजी के घर जाके घेर में सो जा तू। पिताजी से बच के तो मैं यहाँ सोऊं। यहाँ सोए? मेरे दोनों ना सो सकता तू? हैं? काटे लग रहे मेरे। लाट साहब को अलग चुबारा चाहिए सोन को। तो मैं छत पे सोऊं, वहाँ बिछरी है खाट। ब्याह ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ साला हो ना साली हो। ना कोई भी ना हो। अच्छा पढ़ रही है, आज इसका कलेश ही काट दूं, अन्य सांप की ढाल या मेरी छाती पे रेंगती रहेगी। कुछ ना या डर की दिखे। पर तू यहाँ क्या कर रहा? और ये उलिया क्या बना रखा तन? मैं तो चीख सुन के आया था, ठोकर लग के गिर पड़ा। पर ऐसा क्या चमक गया तुझे? वो कोई कोई था यहाँ पे। बावली तुझे बहम हो गया होगा। बेटी तू इतनी ना पड़क रहे, जब तेरी नींद पूरी ना होती तो ऐसे ऐसे सुने दिखेंगे। चल अब सो ही जाइयो। हाँ ले जाओ इसे, बखत सो जाया कर बेटे। अरे तू यहाँ चूनमा मुँह दिए पड़ा रहेगा, उठता ना, चल आ जा तू भी। अनिल उठ, देख दिन निकल लिया, जल्दी तो उठ ले। बेटा उठिए खड़ा हो, तक सूरज कहाँ चढ़ रहा, तो जा आरती को भी छोड़ने जाना, खड़ा हो जा।
ये अच्छी जबरदस्ती है। छोड़ काओ से, ये छोरी कितनी देर तक तैयार खड़ी, इसके पेपर को वार हो रही। तुम बिना दातुन के खाने पीने लगते हो। तेरा पेपर है ना आज, चल तुझे छोड़ काऊं। हाथ तो धो लेते। बेटा देखे आरती को सूत्री डाल छोड़ गई है। छोड़ के तो आ रहा हूँ, पर पैसे तो दे दे। पैसे? काहे बात के पैसे? काहे बात के? 200 रुपए दे दे जल्दी, तेल गिरवाना है इसमें। बात तो ना चलती है या? 200 रुपए 2 किलोमीटर दूर के, इतना तेल ना लगता। तो रोज रोज मांगूंगा मैं तेरे पे ते। ले 100 रुपए बस। मैं फिर दे दूंगी, इसमें काम चला ले। पैसे आ दे दे वे, काम पूरा करवाना चाहे। तू किल से ना करा हर बात पे। अरे अरे तुम कैसी मोटरसाइकिल चला रहे हो? मुझे बस ऐसे ही चलानी आवे। मत बैठिए गलत मेरी मोटरसाइकिल पर। मैं इसलिए कह रही कहीं गिर ना जाए हम दोनों। हाँ तो ठीक है, कह दिया इसे ना आती है मोटरसाइकिल चलानी, मैं ना बैठने की इसकी मोटरसाइकिल पे, गिरा देगा ही तो। ले आ गया तेरा सेंटर। जा रही है ऐसे, नौकर लग रहे हैं इसके। चल बेटा अनिल, तू भी कहीं घूम फिरिया, या तो गई। अरे अंकित, तू उसे देख के भागा क्यों यार? अरे यार पट्टू, उसके बाप से तो मेरी बहुत हवा ले हुए। अरे बिना पेटे लड़की मिली है के? ओए पट्टू देख आ गया अनिल, यू देगा तेरी उल्टी सीधी बातों का जवाब। अबे के हो गया, कैसे तेरा चेहरा कब्रिस्तान सा हो रहा? अरे के बताऊं, जब तक वह महारानी आई है ना, जीना दूभर हो रहा दूभर। चाय मत पियो, हाथ धो, दांत साफ करो, हर बात पे टोके, हर बात पे। अच्छा, घर बैठे ऐसी आफत आ गई? ले भाई आ गई आफत। घर बैठे आ गई आफत, हाय घर बैठे, ओ घर बैठे आ गई आफत, हाय घर बैठे। ये नहीं करना वो नहीं करना, ये नहीं करना वो नहीं करना, बदल के रख दी आदत, हाय घर बैठे, ओ घर बैठे आ गई आफत, हाय घर बैठे। इतना सीधा सादा था मैं, कैसा भोला भाला, गले में घलगी मेरे चलती फिरती पाठशाला। रात दिन अब मिले हैं ताने, रात दिन अब मिले हैं ताने, आगे कैसी शामत, आए घर बैठे।
करता था मनमानी मैं तो अपने दिल की भाई, उल्टी बातों रब चला वह कैसी कमकती आई। करता था मनमानी मैं तो अपने दिल की भाई, उल्टी बातों रब चला वह कैसी कमकती आई। चैन गवाऊं राह न पाऊं, घर बैठे आ गई आफत है घर बैठे। गीता सब्जी दर्दी उसे देख लिया मैं घेर में हो जाऊं। ठीक है माँ जी। हाँ भाई एक गिलास पानी लाइए। और आरती आ गई पेपर देख है। टाइम तो हो लिया आती होगी। आने की तो देखी चाहिए, साहब वैसे गए हैं लेके उसे। वो आ गई। आ गई तू, पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ दीदी। अनिल कहाँ है? पता नहीं, मैं तो उसका इंतजार करके ही आ रही हूँ। जब तुझे मेरी गैल आना ना था तो मेरी गैल गई क्यों थी? मैं वहाँ बावड़ों की ढाल घूम रहा हूँ, अपने आप आ गई। मैंने तो इंतजार किया था, जब तुम नहीं आए तो मैं खुद ही चली आई। मुझे पहले ही पता था तू कोई काम ढंग तक कर ही नहीं सकता। तो क्यों बताया करे मुझे काम? मत बताया कर, तू खुद चला जाइए कल से। भाभी तू एक गिलास पानी ला दे। देखो अनिल तुम्हें कितने पसीने आ रहे हैं और पसीने में पानी नहीं पीते। लो। और ना ही सर भिगोते हैं। पिताजी देख लो इसे, आरती को लेकर तो चला गया था यो, पर इस पर लेके नहीं आएगा इसे। अरे नालायक तू कद अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेगा? कब आवागा बाज इस निकम्मेपन से? जवान लड़की नई जगह भरी दोपहरी में अकेली घर वापस आई है, तुझे शर्म आई? अरे तू ले आया फजलूत पैसे? आज की कही उसने, जा रहा हूँ अभी। बाहर ते हमें रोटी वोटी तो बूझते ना, पानी भी ना पीने दे रहे। इन्हें मैं दिख जाऊं बस, और कुछ ना है बस। इन्हें मैं दिखना चाहिए बस, इसे लगा दो कॉम पर, रोटी मत दो पानी मत दो, बस इसे हर वक्त सॉरी कॉम मेरी फिक्रवा में। रे रे कैसे मंत्र से पढ़ता जावे? अरे की मंत्र पढ़ रहा हूँ, मेरे पिताजी है ना, या तो पूरे दिन घेर में पड़े रहेंगे और घर आ गए तो मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाए, यू कर ले वो कर ले। और वो विनोद है कभी कुछ करे वो? ऊपर तो अपनी सारी ससुराल हमारे घर में लाके घेर दी। मेरी छाती पे पहले ही कम काम थे के, मुझे लगा ही सारा घर मेरे ऊपर ही चलता दिखे। रे कुछ कहवे भी है, कुछ हो भी गया? अरे वो सूदने की बावड़ी महारानी बन के बैठी है घर में, जीवन तबाह कर रखा मेरा। आज फिर के कह दिया उस महारानी ने? आज मैं उसे पेपर दुकान ले गया था, मान लिया मैं 2-3 घंटे कहीं चला गया तो 5 मिनट बाट ना देख सके थी, चली आई पैदल घर। बस मुझे देखती हुई तो लिपट गए घर वाले। चल यार छोड़ भी, और 10-15 दिन की बात है, झेल ले। अरे झेल के ले, कल तक तो रोटी खाने पे टोक के थी, आज पानी पीने पे भी सलाह दे रही थी, पता ना कहाँ थे हकीम की बच्ची आई है। यार खाने पीने पे ध्यान आया, वो भगत जी हलवाई की कलाकंद है ना, वो ऐसी की ऐसी सजी धजी रखी हुई है, लगता है जैसे महाराज इंतजार कर रही हो, चल ना। अरे मैं यार वो फजलू, चल छोड़ फजलू को आके देखूं। कल चीकू आज कलाकंद ऐसी कुछ ना कुछ खिलाता रहेगा तू मुझे। माँ हाँ तू ही समझा ले उसे, एक काम बताया था उसे वो भी ठीक से ना करे, उसने ये कहा था कि आरती को पेपर दिवा दे।
कल को अपने घर जाकर खाएगी तो के जित रह जाएगी हमारी। बेटा तू आरती को टाइम पे पेपर नहीं दुआ सकता, क्यों लाने के काम करा करे? माँ जब 100 काम बताओगे तो एक आधा तो छूटेगा ही, और फिर घर के काम तक जो इसकी सारी ससुराल भी मेरे सिर पे मंड दी। 100 काम करने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे तुझे। ठीक कह रहा है यू, तुझे एक काम कही थी मैंने कि फजलू तो पैसे ले आ, ला तू पैसे। तो बस मैं दिखना चाहूँ, मेरे लिए पट जाओ, मुझे ना मेरा फजलू वजलू। देख लो पिताजी के उल्टी सीधी बात कर रहा है यू। हाँ मैं ही सारी उल्टी बात करूँ, तुम करो सुधी तो सारी। हाँ हाँ तू तो बहुत कमेर कर रहा, थक गया होगा। हाँ सो जा तू। अरे विनोद इसके पांव दबा दिए भाई। माँ तू समझा लेना किसी दिन। किसी दिन क्या? किसी दिन बहुत बुरा हो जाएगा। देख नो नहीं कहा करते बेटा, तू लौटा रहो मैं तेरे लिए रोटी भिजवाऊंगा। अच्छा यार गुड़ भी भिजवा दिए। ठीक है गीता ऐसे रोटी दे दिए, छा गुड़ भी ले आइए। लो खाना। और कुछ चाहिए तो आवाज मार लेना। आज इस मोटरसाइकिल का ही कलेश काट दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसली। कट गया कलेश, अब देखो कैसे जाओगी मोटरसाइकिल। अरे अनिल उठले उठले, फिर वो आरती भी छोड़न जानी तने। चल उठ, रात को सोना देते हैं तड़की जल्दी उठा ले, हमारी समझ में ना आता है राग। गीता आरती ने दूध दाद पी लिया तो सा कह दिया अनिल उठ गया, चली जाएगी इसकी गैल। बस माँ जी चप्पल पहन के आ रही है। ए आजा आरती, चल उठ रहे। चलो अनिल। पता ना आजकल के बालक कहाँ जवानी फेंक गया मैं। हटा परेगू, मैं करूँ स्टार्ट इसे। हाँ तू कर ले आजा। यू बनेगा वे जवान। अरे क्या हो गया इसमें, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, अब क्या होगा? ऐसे तो मेरा पेपर छूट जाएगा। तू चिंता ना करे, हो जाएगी स्टार्ट। क्यों बन लिया महाराणा प्रताप, होगी स्टार्ट। अरे क्या हो गया इसमें, मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो रही। अरे विनोद देखिए इसमें तेल वेल भी है कि ना। ये भगवान ये छोरी के तो पर्चू को भी देर हो जाएगी। देखो पिताजी इसने चीनी डाल रखी है टंकी में। तने देखा मैं खमखा की बकवाद कर रहा है। रे तने क्यों घर का नाश कर रखा है, आज यहाँ मोटरसाइकिल खराब कर दी, कमाना धमाना है ना, बस नुकसान पे नुकसान, तेरी देही तोड़ दूंगा मैं, न तो खून मारे तू। मैं क्यों घेरता चिन्नी, सो के तो अब उठाऊ। चचे राम राम भाई। यू के प्रसाद है यू, मार पिताजी हरिद्वार गए थे। तू ठीक टाइम पाया, चल रहे जतिन की साइकिल पे छोड़ का। साइकिल पे ना जाऊं मैं,
और क्या, तनक सिद्धू के लिए हवाई जहाज मंगवा दूं तेरे लिए मैं। अरे जा, चला जा तू, तेरे दिन शुद्धे हो तो। सही टाइम पे आ बेटे, तुझे तो बाद में देखूं मैं। अजी सुनते हो? जब तक तेरे तक ब्याह होया कहना तो भूल ही गया, सारे दिन बस तेरी सुनता रहूं। अजी तुम तो मजाक कर रहे। मजाक को कौन सी, तू मेरी भाभी लग रही। मैं नू कह रही आरती की भी कुछ खैर खबर ले लेते, पता ना वहाँ नकल भी चल रही होगी क्या। ना ऐसी बात ना, विनोद ने बात कर ली मास्टर से, नकल तो वहाँ चल रही होगी, तू चिंता मत करे। आसू तू ही चला जाता छोरी धोरा, चक्कर भी मारी आता, नकल भी पकड़ाई आता। नकल का तो नाम ही मतलब मुझसे, उस दिन जिज्जा ने नकल के लिए कही तो बुरा सा मुंह बना लिया आरती ने। अनु कह रही कि मैंने उससे नकल के लिए कही तो पेपर छोड़ के घर आ जाएगी। हे भगवान, अब इसे कौन समझावे कि आज के जमाने में बिना नकल के पास ना होया जाता। पहली बेरकल की बात करिए तन्ने भगवान, सारे सारे दिन पढ़े तो चतुर का लोंडा घुसा रहे किताबों में, और हर बेर ज्यादा नंबर आवे पत्रों के लोंडा के है। क्यों ठीक चल गई साइकिल, दिक्कत विक्कत तो ना होई होगी। चाचा जी लो प्रसाद। अरे तने के हुआ नहीं, अरे क्यों मार रहा, अरे बावड़ा हो गया के, अरे छोड़, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ 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 मैंने छोड़ दे, अरे क्या हो गया, अरे पागल हो गया के। तू चुप खड़ी रहे, आज गायब कर दिए साइकिल को, और ना तो मैं तुझे गायब कर दूंगा। पिताजी मुझे तो मना कर दिए, और ना तू हरिद्वार का प्रसाद लेके आया था, मैं तुझे वैष्णो देवी का दे दूंगा। भेज दिया स्किल सी पे। मर ले जल्दी है, भलाई का तो कोई जमाना नहीं, भलाई करो और पिटो। माँ ला रोटी ला दे। लाई अभी। रुको दीदी मैं दे आती हूँ। तू रहन दे मैं ले जाऊंगी। सारा दिन तो आप काम में लगे रहते हो, कभी तो हाथ बटाने दिया करो। भाभी रोटी लाइए और दूध भी लाइए। गैल दूध भी ला दे सर, और उसमें हल्दी भी घेर दिए, आज तो साइकिल चला के लाया है, पाँव दुख रहे होंगे इसके। ओए तू मेरे तक खामखा बकवास मत कर करे, तेरी मेरी फिर छूट छूटा होती फिरेगी। आई तो मैंने तेरे भले की। ओहो आज तो साली रोटी ला रही है, पेट भर के रोटी खाई जाएंगी। हाँ रोज तो भूखे रहो। ओफो जीजा जी, अब दीदी को कौन समझाए कि खाने के साथ साथ प्यार भी जरूरी है। ओ देखो तो सही, जीजा साली कैसे एक हो गए। हाँ सही है भाभी, कल से खाने की बजाय थाली में प्यार सजा के दे दिए, भर जाएगा इसका पेट। हाँ अब बोलो, अब मेरा धाकड़ देवर मेरे साथ है। अनिल रोटी खा के खेत में चला जा, तेरे पिताजी बुला के गए। मैं खेतों पर चला जाऊंगा, पर मैं 12 नहा के आ जाऊंगा, वहाँ पिताजी कहेंगे कभी यू कर कभी वो कर। तुम अभी खाना खा रहे हो ना? हाँ। खाना खा के नहाना मत। माँ कौन है यार? मारी चाची है, फूफी है, मम्मी है, दादी है, कौन है तू समझावे मुझे, मिनट मिनट में के रिश्ता है। सही बात कहने के लिए रिश्ता जरूरी होता है। भला कर हे धरती मत, सबका पेट भर। लो पिताजी। ला बेटा। आरती। हाँ तैयार होली बेटे। हाँ जी। तू नाश्ता कर ले। वो मैंने दूध पी लिया है मौसा जी, लेकिन अनिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ओ विनोद की माँ। हाँ कहाँ है वो अनिल?
यार टेम हो रहा, अरे आरती को छोड़ने ना जावे तू। गधैया की पूंछ, मैंने पालता हूं ऐसे रोज रोज के हिले। पंखे के नीचे मत बैठो, पानी मत पियो, रोटी मत खाओ, रोटी खाली तो नहाओ मत, टटीरी टेट। अब आओगा मजा? अरे चाचा आ गए तो तुझे सब समझा देंगे वो। यहाँ हम ऐसी जगह बैठे हैं, यहाँ पहुंचना तो चाचा के भी बस की ना है। ए! क्यों रे? अरे तू किसी तक कहका आया के यहाँ बैठा है? अरे उंगवा चोरी परेशान हो रही, पेपर दीवार ना जाना तुझे। वो मिलना रही थी साइकिल, मैं तो साइकिल ढूंढन आया है। यहाँ ढूंढ रहा तू साइकिल? यहाँ तेरे बाप की फैक्ट्री है, और साइकिल तो तू जतिन की भी तो ले सकता। पर चाचा वो साइकिल तो मैंने बेक दी। और शाम तक तो तू चला रहा था, और सुबह को बेक दी। रहन दे तो इन ड्रामों को। राम राम भाई जगबीर। राम राम भाई। रदूदार दिया भाई। हाँ भाई। अरे ओ जगबीरे, अरे सुनिए भाई एक मिनट, अरे रुक रुक। हाँ भाई जगबीर है, आ जा। इसमें जाऊंगा मैं ना जाऊं इसमें, या तो बहुत कैडी चलेगी। कैडी चले? अरे कुछ कैडी ना चलती, अरे यू ना छोड़ का दूध। चाचा साइकिल की तो कोई बात ना, डिब्बे रख आने घर तक। डिब्बे? अरे डिब्बे की चिंता क्यों कर रहा तू? डिब्बे यू जतिन छोड़ा होगा। चल भाई जतिन ले, डिब्बे ले, जगबीर का घर छोड़ का दे भाई, दे इसे। शाबाश, यू भी ले ले। घरू छोड़ के आइए, ले भाई तू साइकिल ले। अरे देखा क्या अब देर होने लग रही। बेटा बहुत देर होली, इसका पेपर छूट जाएगा और पूरा साल खराब हो जाएगा इसका। डॉक्टर बनने का भी सपना इसका अधूरा रह जाएगा बेटे। तो इसे डॉक्टर भी हम ही बनवाओगे के? बेटा बनाना बिगाड़ना तो भगवान के हाथ में, पर हमारी वजह से किसी का काम बन जा या तो सौभाग्य की बात है। अरे कालू देख ये साइकिल के दाबम दाब भग रही। अरे भाई साइकिल पर चिलम धरी, बाप के तो एनर्जी तो आनी है आनी। अरे कालू एनर्जी तो मुझे भी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी मुझे भी दिला दे यार। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लो जी चाय पी लो। अभी क्या पेपर और रह रहे हैं आरती के? अभी तो रह रहे, शुक्रवार तक निपटेंगे। आरती के बगैर तो घर खाने को दौड़ रहा। मैं भी तो यही सोच रही, जब आरती चली जाएगी तो महारा क्या होगा। कालू इतना पसीना कैसे आ रहा, गर्मी अचानक बढ़ गई के? अरे बंटी अचानक ना बढ़ी, चिलम में तो भव के निकल रहे भव के। सही कह रहा तू, तभी तो मैंने भी एकदम भवका सा लगा। करूं ठंडा? अनिल तुम घर चलो। रुका तो ऐसे है जैसा धारा सिंह की छठी औलाद हो। जाइए रे। साले तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा।
ऐसे लड़ते हैं क्या? और लड़ने में भी पसीने सुखा के लड़ता? वो बात नहीं है। वो बात नहीं है तो और हाथ धोकर लड़ता? नहीं, क्या मैं तुल करके लड़ता? पागल, चोट लग जाती तो? चोट लग जाती तो चोट लग जान दे। तू यहाँ सूदने में ना आए हरिपुर में, अनिल के हरिपुर में। यहाँ चोट पे ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ इज्जत पे ध्यान दिया जावे। और अब तुम मेरी गैल है, तुम्हारी इज्जत है, और कोई मारी इज्जत पे हाथ उछाड़ेगा तो मैं उसे ऐसे ही मारूंगा। ले लाओ। और आरती को दे दिए, खा लेगी वो। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते, बड़ी देर कर दी आने में, फिर कहीं छोड़ के चला गया होगा इसे। ओए, तेरी ये रोज रोज की ड्रामेबाजी मेरे बस की ना सुनने की, कल से तू लेके जाओगा इसे। जीजा जी ये तो टाइम पे आ गया था पर। पर के? बेटा तेरे चोट वोट तो ना लगी? तू लड़ाई झगड़े ना करे करे। अरे रोटी तो खा ले। अरे ना खाता तो दूध ही पीता जा। हाँ भाई, फजलू तो पैसे ले आया तू कल। यार फजलू, सतपाल ने तो किसी को भेजे ना पैसे लेने को, चल तू ही दिया। भैया मैं आपको पैसे देने आ रहा। भैया मार क्यों रहे हो? मैं आपके पैसे देने आ रहा। मार क्यों रहे हो? सुनो तो सही भाई साहब। भैया इसमें स्वरूप फालतू है भैया। दूं? खुदा कसम सब आपके ही है पैसे, ले जाओ। यार हद कर दी, इतना भी सब्र ना रहा। अरे क्या हो गया, कैसे गुस्से से मैं बैठा? अरे मेरी तो समझ में ना आ रहा क्या करें यार। क्यों, अब की आफत आ गई भाई? चारों माई तो आफत ही आफत आ रही है, घर में घुसने ते भी डर लगे अब तो। घर में घुसने से डर लगे? हाँ? अभी तेरे घर में कौन से भूत आ गए? अरे भूतों को तो मैं भुगत लूंगा, पर उस कानून मंत्री को कौन भुगते? ऐसे के कह रहे हैं वो? अरे कहने को कौन सी कसर छोड़ रखी है? खाना ऐसे ना खाते हैं, पानी ऐसे ना पीते हैं, पंखे के नीचे ना बैठते हैं, कभी कदार तो मैं नहाऊं उसमें भी ऐसे ना नहाते हैं, ऐसी तैसी मार रखी है। यार वो तुझे सुधारना चाहती है। मतलब मैं बिगड़ा हुआ हूँ? मेरा मतलब है वो तुझे काम करना सिखा रही है। अच्छा, मुझे काम करना ना आता है? वो तुझे रहन सहन सिखा रही है। अच्छा, मुझे रहन सहन भी ना आता है, मैं इतना बड़ा वैसे ही हो गया? मारूंगा मुंह पे मुहाड़ा बना दूंगा, चुप रह ले। ओहो, आफत आ गई बैठी है। मो भाभी, कहाँ गए सब? वो मौसी जी और दीदी तो पड़ोस में गए हैं, कुछ गीतों वीतों का प्रोग्राम है, और मौसा जी और जीजा जी खेतों पे गए हैं, और बोल के गए थे कि जब तुम आ जाओ तो तुम्हें भी भेज दें। किताबें ऐसे नहीं फेंकते, ये बहुत काम की चीज होती हैं। और हो सके तो कुछ कर लो, कुछ बन लो, ये शरारतें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। कुछ क्यों करूं मैं, क्यों बनूं, मैं तो ना करता। करूं मैं कुछ क्यों बनूं मैं कुछ क्यों करूं।
कुछ क्यों बनो मुझे जाने सारा काम क्यों नाम के पीछे पड़ू मैं मुझे जाने सारा काम क्यों नाम के पीछे पड़ू मैं मिला है आदम जीवन कुछ नाम कमा के दिखा बस मौज ही मौज करूंगा पगला है तू ना समझ है तू शानी है तू घनी बने है क्यों आंख खोल के बुद्धि ते जरा पर्दा तो हटा क्यों करूंगा मैं ऐसा मन इतना तू बता तो खुश है मेरी थोड़ा बापू से डरता हूँ ये अकल है तेरी इतनी मोटी क्यों मुँह जोरी क्यों अरे कर है तू कुछ कमीरी करके दिखा घनी बातें ना बना कुछ कमीरी करके दिखा घनी बातें ना बना मिला है आदम जीवन कुछ नाम कमा के दिखा जाने सारा काम क्यों नाम के पीछे पड़ू मैं मुझे जाने सारा काम क्यों नाम के पीछे पड़ू मैं मिला है आदम जीवन कुछ नाम कमा के दिखा अनिल चल उठ रहे ए खड़े हो देखिए आरती कब की तैयार खड़ी जा छोड़ के ऐसे छोड़ के पद्धी पे आऊं मोटरसाइकिल खराब है जतिन ने भी साइकिल बेच दी अपनी और दूधिया भी नाट गया साइकिल देने थे जब अपनी साइकिल जोड़ में काट के लानी पड़ेगी तो कौन देगा तुझे साइकिल अपनी ओए तू ज्यादा कहानी मत बनाए करे अब की बता अब कैसे होगी देख रहे देख वो खड़ी साइकिल बिल्कुल ठीक करवा दी मैंने वो या खटारा इसे चलाऊंगा मैं या ना चले मेरे पे या ना चले मेरे पे तेरे बाप ने 18 साल चलाइया दहेज में मिली थी मजा घनी 3-5 ना करा अब जा छोड़ का इसे पता ना कद मेरा पीछा छोड़ेगा अरे ऐदी उठ ले तू खाट ना छोड़े गुड़ 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 तड़की चाय ना पानी चलता कर दे इनकी सबकी रिश्तेदारी निभाने के लिए मैं ही मिलूं अनिल तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया मेरे बारे में बताने की क्या जरूरत है मैं तो जैसा हूँ सब जाने अच्छा चलो ये बताओ तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो यार आज तो बेइज्जती खराब हो जाएगी या 12वीं में यार मैं आज लो 11वीं तक आगे नहीं बढ़ सका तुमने बताया नहीं तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो अरे वो गेट के सामी सबसे लास्ट वाली मैं वाली नहीं किस क्लास में पढ़ते हो ये पूछ रही हूँ
हाँ मैं भी कौन सा फारसी बोल रहा हूँ, मैं भी तो न्यूज बता रहा हूँ, गेट के सामने जो सबसे लास्ट वाली है उसमें पढ़ूंगा। पागल, जब कोई क्लास के बारे में पूछता है ना तो ऐसे बताते हैं जैसे 10वीं 11वीं 12वीं। अच्छा अच्छा ऐसे आ रही है। 8 कमरे तो इन हो गए सुधे और 6 हुए और 3 हुए। ऐसे तो मैं 18वीं में पढ़ूं। 18वीं क्लास, ये कौन सी क्लास होती है? तू तो बड़ी बावली है, तेरे तो लिख के गले में तख्ती टांगनी पड़ेगी। सोबेर समझा ली, गेट के सामने सबसे लास्ट में वाई है। लगता है इसे कुछ पता ही नहीं। चलो कोई दूसरी बात पूछती हूँ। अच्छा ये बताओ तुमने कौन सी साइड ले रखी है? भाई इसने चाट्या में, पता ना सवाल भी कहाँ तक ढूंढ के लावे। तुमने बताया नहीं कि साइड कौन सी ले रखी है? साइड? अच्छा अच्छा साइड, साइड तो घर में बस पिताजी और भाई ना मिलने चाहिए, वह साइड ले रखी है। गांव में साइड की कोई दिक्कत ही ना है, और स्कूल में तो भाई गेट पे प्रिंसिपल ना हो तो मेन गेट वाली साइड ले रखी है, और ना तो पिछले वाली साइड है ही पक्की अपनी। क्लास में तो सबसे पिछले वाली सीट है, वह साइड पक्की है, वहां तो हिम्मत ही नहीं कोई बैठ जा। और कापी वापी जच रही हो तो स्कूल के बराबर वाली साइड दगड़े वाली जो है वह ले रखी है, वह पक्की है एकदम। पागल मैं उस साइड की बात नहीं कर रही, जैसे साइंस साइड आर्ट साइड। अच्छा अच्छा ऐसे बात है, तो मैंने दोनों साइड ले रखी है। दोनों साइड और के मारे दो का आंकड़ा बड़ा शुभ है। देख हम भाई दो, मेरे आंख दो, कान दो, टांग दो, और साइकिल में पैडल दो, पहिए दो हैं, और मारे भैंस भी दो, और भैंस के आंख भी दो, सींग भी दो, मारे गांव के रास्ते दो, और हमने ज्यादातर क्लास दोबर में पास करी है। अच्छा अच्छा चुप हो जाओ, समझ गई मैं, अब तो सेंटर भी आ गया। बड़ी जल्दी आया। वाकई आज तो तुम्हारी बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मैं बात ही ऐसी करूं और सामने वाला सुध बुध खोकर सुनता ही जा। मैं इंजेली टेंट इतना इंजेली टेंट नहीं इंटेलिजेंट। हाँ हाँ वही, खैर हम बात ही ऐसी करें, अब गलत भी बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ ही जा। अरे अब लो तैयार ना हो या तो जल्दी जा, इतने तू पहुंचा गया तेरे तो आरती पेपर दे के भी आ लेगी। अगर थोड़ा जल्दी चला जाएगा तो तेरा चाय नाश्ता भी हो जाएगा वहाँ, और आते ही आरती को ले आई हो, घर खाली खाली सा लग रहा। जा रहा हूँ अभी, पिछले 5 मिनट में 20 बार कह ली हूँ बात। भगवान एक महीना की ढाल गुजरा। अरे जब थारा ये हाल हो रहा है तो मेरा सोचो क्या हाल होगा। की बात है, बड़ी खुश हो रही है। अरे खुशी की तो बात है। अरे हमें भी बता दे इतनी खुशी की के बात है। अनिल देखो कितनी प्यारी तितली। मैं ना देखता तितली वितली, मतलब तितली देखना भी कोई खुशी की बात है। देखो ना खेत कैसे लहरा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उल्टी सुद्धी तो समझाओ मत ना, बताती हो तो बता दे क्यों इतनी खुश खुशी हो रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मेरे पेपर खत्म हो गए हैं। इसका मतलब तुझे लाने ले जाने का किस्सा खत्म।
यू बात ना है भाई आशु, आरती के पेपर खत्म होने की खुशी आरती से ज्यादा अनिल को है। देखिए जब से पेपर दिलवाने जान लगा है ना, सारे गांव की साइकिल पेपर दिलवाने में तो। और तो और भैया तू घर का सारा दहेज भी ना उसे लाने ले जाने में खर्च होगा। भैया दे आई तू पेपर? हाँ भैया। चल फिर जल्दी से सामान बांध ले। ठीक है भैया। पर भाई आशु अब तो इसके पेपर तो निबट लिए, अब तो छुट्टी छुट्टी होंगी मेरी राय में, दो चार दिन और रुक जाती। मुझसे घर पे काम बहुत पड़े, बाद में घुमा के ले जाऊंगा। अच्छा दीदी हम तो कह रहे थे बेटी एक आध दिन और रुक जाती। चल कोई बात ना, आती जाती रहे। जी मौसी जी। कदी वहाँ जाके सब कुछ भूल भाल जावे। कैसी बात कर रहे हो जीजा जी, इसमें भूलने की क्या बात है, मैं आप लोगों को भूल सकती हूँ। आरती चले अब। अच्छा मौसा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटे। अच्छा जीजा जी नमस्ते। अनिल अच्छा अनिल मैं चलती हूँ। पास हो जाइए। क्यों? और फिर पेपर दुआने पड़ेंगे ना तो? बेफिक्र हो अनिल, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। मेरी वजह से जो तुमने भागदौड़ की, दिक्कतें झेली, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते, नमस्ते बेटे। पापा। आ गई तू? कैसी है तू? पेपर वेपर कैसे गए तेरे? नकल चल गई साई? आंसू तो कह रहा था कि जीजा जी ने जुगाड़ करवा दिया है नकल का। नकल वकल नहीं की मैंने, लेकिन हाँ पेपर बहुत अच्छे गए। अच्छा तू भी क्यों उल्टी सुल्टी बात लेके बैठ गई? बेटी एक बात बता, गीता के यहाँ तो सब राजी खुशी हैं, तुझे तो कोई दिक्कत ना आई? हाँ पापा जी सब ठीक है, और उन्होंने मेरी भी बहुत देखरेख की है। वो तो मैं पहले कह रहा लक्ष्मी से, अब हमारी आरती को सर आंखों पे रखेंगे। मारी समझ में यूं ना आवे कि कोई अच्छा काम हो जाता तुम कदम मुझसे कह दियो। जूते और जुराबों को ऐसे फेंका जाता है क्या? भाभी रोटी ले आ। अभी इन्हीं हाथों से जूते उठाए हैं, तुम फिर बगैर हाथ धोए खाना खा लोगे? माँ ला रोटी घाल दे मेरी। और वो आरती आ गई पेपर देखे? ओहो वो तो चली भी गई। हाथ धोए तन्ने? कोई बात नहीं मम्मी, कभी कभी बगैर हाथ धोए भी खा पी लेना चाहिए। अब तू कैसे बदल सी गई बेटी, पहले तो तू बिना दांतून करे खावे ना थी, अब तो खावे खा के नहा भी ले है। और हाँ वो प्रियंका आई थी। अच्छा क्या कह रही थी? कुछ ना पूछ रही थी, मैंने कह दिया वो नहा रही है, वो चली गई। अरे क्या बात है रामू, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, कहाँ रह रहा था तू? अरे यार मैं अपने जिज्जा के धोरे रह गया, पेपर दे रहा था। जिज्जा
जा के यहाँ रहने से बड़ा निकार आ गया तुझमें। अरे आता कैसे ना, जिज्जे ने बड़ी देख रेख करी। तुझ पे एक रैपट तो मारा ना गया उनमें, उल्टा मुस्कुरा के आगे कुचल दी। अरे प्रियंका, मैं तो तेरे ही घर जा रही थी। मैं भी तेरे ही घर जा रही थी, मैंने तो सोचा तू अब तक नहा ली होगी, पर यो मेरी बात का जवाब नहीं है। पागल, मैं इन्हें देख के नहीं मुस्कुराई, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी अगर वो होता तो अभी लगाता दोनों को उल्टे हाथ से दो दो। अबे कौन होता कौन लगाता, किसकी बात कर रही है तू? खैर तू छोड़ इन सब बातों को, ये बता तेरे पेपर कैसे हुए? मेरे पेपर तो सही हुए, पर मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत तो ठीक है, अब यहीं खड़ा रखेगी घर भी लेके चलेगी। तुम अभी खाना खा रहे हो ना? हाँ। खाना खा के नहाना मत। अबे यार तेरी खोपड़ी है के जंतर मंतर है, हैं? जब आरती घर पर थी तब तू परेशान था, अब आरती घर पर नहीं है तो तू क्यों परेशान है? यार तू समझ नहीं रहा, मैं वाकई परेशान हूँ। क्यों, ऐसा के हो गया? ये तो मैं नहीं जानती, बस हर वक्त मुझे उसकी याद सताती रहती है, जहाँ भी देखती हूँ बस वही वो नजर आता है। और काम में तो जी लग रहा होगा? यार काम की के मेरा तो खाने पीने में भी जी नहीं लगता। यार मैं दावे से कह रहा हूँ तेरे को कुछ हो गया है। मुझे क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता, हाँ इतना पता है कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ बस उसी की बातें मेरे दिमाग में आती हैं। हर तरफ बस वो ही दिखाई दे रहा है। वो अलहड़ था लेकिन उसकी बातें बताती थी कि वो दिल का कितना साफ है। वो अपने मासूम चेहरे में मेरी बड़ी से बड़ी बात को मुस्कान में छिपा लेती थी। और वो बार बार गलती करता था, वो बार बार मुझे समझावे थी। गलतियाँ उसकी सादगी थी लेकिन वो गलत नहीं है, उसने मेरी गलतियों को सुधारा, वो बहुत अच्छी लड़की है। प्रियंका वो गलत नहीं है जतिन, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो सही कह रही है प्रियंका, मुझे कुछ हो गया है। हाँ जतिन, ना चाहते हुए भी कुछ तो हुआ है। पर नहीं करता मैं, नहीं करता, नहीं करता मैं, नहीं करता मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता है। पर ले गई वो दिल यार बता मैं के करता, पर ले गई वो दिल यार बता मैं के करता। शाम आंखों में मेरी सूरत उसकी घूमे है, खाली लागे गांव भले आवाजें उसकी गूंजे है। सुबह शाम आंखों में मेरी सूरत उसकी घूमे है, खाली लागे गांव भले आवाजें उसकी गूंजे है। दिल तो के अब जान भी उसकी हो,
नहीं करता, मैं नहीं करता, नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता। पर ले गई वो दिल यार, बता मैं के करता। पर ले गई वो दिल यार, बता मैं के करता, के करता। पिताजी तो यूरा तुम तो कहते घर मना है। अरे यू कौन सा किसी छलावे तक कम थोड़ी है, अभी जब मैं आया था जब तो था ना, अब आया हूँ तो खड़िया मिला। रे तो यही मर रहा, खेतों की तरफ ना आ सकता, वहाँ गेहूं लिकट रहे थे। माँ यार ती किताब रहेगी, इसे दे आऊं? पिताजी भी नहीं कहते रहे काम ना करता काम ना करता। रहने दे भाई, इब के फायदा, इब तो उसके पर्चे भी हो लिए। अरे तू ना जानती हो कितनी पढ़े, हुआ तो इसके बिना हो रही होगी परेशान। तो एक काम कर, अपने पिताजी तो पूछ ले। के पूछवा वे? यूनू कह रहा आरती की किताब रहेगी, मैं उसे दिया था। किताब दिया था? रहन दे, तेरे बस की काम करना धरा है। अरे कैसी बात कर रहा है भाई, काम तो काम है, सब मिलके करना चाहिए। अरे तू सच्ची सच्ची बता, कहाँ जाना तुझे? जाना कहाँ पिताजी, किताब दे के आनी है। देख किताब की बात तो है नहीं, तुझे मैं खूब जानू,
तू ये बता कि बहाना मार के जा कहाँ है? काम न करता हूँ तो न्यू कहो काम न करता, अब काम कर रहा हूँ तो सब बहाने बता रहे हो। वहाँ किताब के चक्कर में आरती को परेशानी हो रही होगी। रतुजा किसी की परेशानी कैसे समझ आने लगी? जान दो भी ध्यान दो। हाँ हाँ सही बात है, दियाऊंगा मैं। जा तो तू फिर, लेकिन बखत चला लिए। हाँ जावेगा कैसे, मोटरसाइकिल तो खराब पड़ी है वहाँ। ऐसे टाइम पे मोटरसाइकिल देखी जावे, मैं बसते ही चला जाऊंगा। उंगे किताब के चक्कर में आरती को दिक्कत हो रही होगी। मिल गई। अरे भगवान के पारस में नहीं मिलगी जो सारा घर अधर उठा रखा है। मेरी सोने की अंगूठी मिलगी? मैं तो पहले ही कह रहा, और घर में इंगोंगा हो रही होगी। हाँ तुम तो सारी भविष्यवाणी पहले ही करे रखो। नमस्ते मुसल, नमस्ते। बेटा पहचाना ना मैंने? जी मैं हरिपुर से आया हूँ। अच्छा हाँ हाँ अनिल। हाँ मौसी, पर तुम्हें पता कैसे चला मैं ही अनिल हूँ? जब से आरती आई है बस तेरे बारे में ही बात करती रह वह है। के कह वह मौसी? कह वह के है, ले बैठ। न्यू कह वह है कि एक छोरा है वहां बड़ा शरारती सा, पर दिल का बड़ा साफ है। हाँ तो काम चोर पक्का, पर उसने बड़ी मेहनत करी मेरे पेपर दिलवाने में। पहले मोटरसाइकिल खराब हो गई तो साइकिल मांग के लाया, फिर साइकिल खराब हो गई तो दूसरी साइकिल मांग के लाया। बेटा बड़े एहसान है तेरे मारे ऊपर, तू ना होता तो आरती कैसे पर्चा दे पाती, और हो सके ना भी दे पाती। कैसी बात कर रहे हो मौसा जी, आरती का ख्याल मैं ही तो रखता। की कह रहा? मेरा मतलब है आरती का ख्याल हम ना रखते तो कौन रखता? मैं या किताब लाया हूँ। तू बैठ बैठे, मैं तेरे लिए दूध लाऊं। वो आरती ना दिखाई दे रही? वो मम्मा लेगा उसे अपनी गैल, छोरा देखकर गए, पर जो आरती को पसंद आगा ना तो वही की वही बात भी पक्की करी आऊंगे। अच्छा मौसा जी मैं चलूं। बैठ बेटा, कैसे चल दिया, कुछ खा पी के जिए? अब के करूंगा मैं खा के? के बेटा वो मौसा जी एक काम याद आ गया, वो निपटाना जरूरी है नहीं तो गड़बड़ हो जाओगी। अरे ले दूध तो पीता जा बेटे। बस मैं उसे फिर पीऊंगा, अब तो जहर ही पीना पड़ेगा। अच्छा सुन तो सही, वो मिलाई तो दे देते। ये तो मौसा जी ज्यादा हैं। कहाँ ज्यादा हैं, आज के महंगे जमाने में आवे के है। चलो इतना तो पता है जहर भी महंगा हो रहा। आरती, आरती, आरती सुन। अनिल तुम? तू कैसी है आरती? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो तुम्हारी किताब रह गई थी ना, मैं तो वो देने आया था। तुम जिस काम से गई थी हो गया वो काम? कौन से वाला? वो लड़के वाला। वाह अनिल क्या लड़का था, मैंने तो देखते ही हाँ कर दी। पढ़ा लिखा सभ्य एकदम हीरो था, हीरो। तो मेरी गाड़ी क्यों निकटवाई? पढ़ाई लिखाई सभ्य पने की बात कर रही है, लड़की जाए कराए कोई लड़का देखने? कौन सा लड़का और कौन सी लड़की की बात कर रहे हो तुम? तेरी और उस लड़के की जिससे तू रिश्ता करके आई है। पागल मैं मामा की लड़की के लिए गई थी और मामा पिछले स्टॉप पर उतर गए। मामा की लड़की कितनी है? हाँ शाबाश बल्ले बल्ले शाबाश। पागल तू
के कर रही है ऐसे बड़ा चुन्नी मुंह में दी जा। क्या करूं, शायद मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। वो तुम किताब के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ किताब तो मैं घर दिया आया। किताब बड़े काम की चीज होती है, वो ऐसे थोड़ी फेंका जा किताबों को। और मास्टर जी, और अब मैं रोज दांतन करता हूँ, देख मेरे दांत चमक रहे ना। और अब मैं खाना भी हाथ धो के खाऊं। और तो जी सा ना लगता है। क्यों? यू तो पता ना, पर हर टाइम जी उखड़ा उखड़ा सा रह गए। तेरा जी लग रहा है? अरे अनिल तू यहाँ बीच में कैसे खड़ा, चला घर चल रहे हैं। आरती तू भी यहाँ बीच में लिए खड़ी है, घर ना लेके जा सके थी। घर तो मैं हो आया, मैं चलूं? अरे दो बात हमसे भी करता जियो, बेफिक्र है पानी ना डालने का हूं। अब तो मैं चलूं। सुबह चला जियो। मैं तो अब चलूं। चल भैया जैसी तेरी मर्जी, आरती आ चल। मान लो पिताजी वो कहीं मेला वेला घूमन गया है, वो ना दे करने का किताब विताब। ठीक कह रहा भाई तू, या फिर ऐसा होगा कि किताब की तू बेच के कुछ खाई आओगा। मेरे बाहर भीतर के भी कहीं चक्कर लग लिए, और वो जितनी भी कहीं दिखाई ना दे रहा है, वो दोनों ही गए हैं जहाँ भी गए हैं। हाँ बेचा भाई। के बेचिया है? किताब। और के किताब ना वे जेवर ते बेचिया। और तो सब ठीक है वहाँ? हाँ हाँ आरती ठीक है। आरती ठीक है रे, और कोई भी तो होगा वहाँ। कह तो रहे हूँ सब ठीक है वहाँ। सुखबीर तो ना कह रहा था कुछ? कौन सुखबीर? देख लो पिताजी यू ना गया वहाँ, ये तो कुछ चोरी कर्म करके आ रहा है। मैं तो किताब आरती हर के घर दे के आ गया, मैं ना गया और कहीं। उंगे बुआ के यहाँ से अचार आया धरोगा, वो ही ले आते जब गए थे तो। अचार? अचार की कोई बात ना, मैं अब अचार ले आऊंगा, अभी जाऊँ। बाहर जाने के नाम का तो तैयार खड़ा रहे, अभी तो आया तू एक मिनट भी ना हुई। अरे वे भैंस खड़ी धूप में, उन्हें जाके छाए बांध दे। भाई ये भैंस ऐसी जन्म कुंडली में लिख रही है, सही होगा ना पटवाई जाती। अरे कहाँ चल दिया तड़की तड़क तैयार होके? वो कल देर होगी थी ना, अचार अचार ले आऊंगा मैं। तू रहने दे अचार को, हम तो मिर्च मिर्चों तक ही काम चला लेंगे। वहाँ धरा आना मैं ले आऊंगा। अरे धरा तो जाना केक के है वहाँ, तू टाल कर वहाँ जाने की, चक्की पे चला जा, आटा ठाला पिस गया होगा। तू दूर रह, इसमें हाथ ना दिए। अभी तो मैंने कुल्ला भी ना कराया है। माँ मैं अचार ले आऊं मूसा के हत्ते जाके। ना बेटा रोज रोज ससुराल जाना ठीक ना हो। अभी कहाँ होगी वो ससुराल? के कह रहा? अरे मैं ले आऊंगा, कभी वे बुरा बुरा मान जा। बुरा क्यों मानते, ये भी कोई बुरा मानने की बात है। तू एक काम कर, घर में जा, तड़के के बर्तन पड़े वहां बैठा के लिया। भाभी कुछ कहना है अपने घर, मैं अचार लेने जा रहा हूँ। अब खाली अचार के लिए मत जाओ, वो तो तुम जब गए थे तो ठा लाते। मैं तो अब भी ले आऊंगा, आपके देर होगी। रहन दो, बार बार जाना ठीक नहीं होता। तुम दर्जी से मेरी साड़ी उठा लो, पीको कर दी होगी। 24 में से 25 घंटे कहते रहे काम ना करता काम ना करता, अब मैं काम करने को तैयार हूँ तो कोई करवा ना रहा। पर काम तो मैंने भी बताया था। अरे कैसे मुंह लटक रहा है, कल के रहा ससुराल में? समझ में ना आ रही यार आरती, धोरक कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? अरे कल तो गया ही था तू। कल यार बात अधम में रहेगी, वो आंसू आ गया बीच में। चल कुछ आइडिया सोचते हैं। एक काम कर सके,
अरे सो करूँगा, तू बता तो सही। मारी सुन, आज रात को उसके घर चला जा और जाके उसकी एक किताब चुरा लिए, फिर सुबह को उसी के बहाने मिलने चला जाइए। हो गया काम। कोई अच्छी तरकीब बताए कर, अपनी सिकल जैसे आइडिया बता लगे। एक तरकीब और आ रही मेरे समझ में। कोई ढंग की हो तो बोल। तू अपनी एक किताब और ले जा और नू कह दिए कि आरती की एक किताब और रह गई। अरे हमारे पे किताब बची कहाँ है, सबकी तो हम शकरगंद दिखा गए। आइडिया, अब की तू बता के ही मत जइयो, चुप्पी चला जा और वहां जाके बताइयो कि मैं इधर से जा रहा था, सोचा नमस्ते ही करता चलूं। अरे वाह, मैं तो यार तुझे बेवकूफी मान रहा था, तेरे में तो अकल है। अरे पर, 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 मेरे तो बुझेंगे तो मैं तो कह दूंगा मैं अचार देखन, अरे नहीं मैं भैंस लेन आया था। अरे मैं कह दूंगा मैं यहाँ कहीं आया था, वैसे ही आ गया। आज फिर क्यों, तुझे अच्छा ना लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर क्या आरती? पर मुझे जब ज्यादा खुशी होती जब तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा आता। घर के बड़े से मतलब? मतलब ये, जब ज्यादा अच्छा लगता अगर तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा आकर तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात करता। सच आरती? मौसी नमस्ते, मैं वो अचार देखकर भैंस अचार अच्छा में चलता हूँ। ये क्यों आया था यहाँ, क्या हो रहा था यहाँ पे? अरे मैं तेरे से पूछ रही हूँ, तेरे से क्या हो रहा था यहाँ? मम्मी, मैंने आज तक आपकी कभी कोई बात टाली है? या आपसे कभी कुछ मांगो हो तो बताओ। मम्मी, अगर आपको मुझ पे विश्वास हो तो सब कुछ ठीक है। अनिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप चाहें तो हम दोनों की शादी हो सकती है। मम्मी तू अंदर जा। आ गए जी आप। आंसू ले आया सामान। वो जी, मैं यूं सोच रही थी कि आरती का ब्याह अनिल से क्यों ना कर दे। तू कैसी बात कर रही है, अनिल आरती का ब्याह कैसे हो सके? क्यों ना हो सकता, उसमें क्या खराबी है? अरे भगवान, अनिल पढ़ा लिखा कम है, इतनी जमीन जायदाद है उनके पास, गांव में पुख्ता काम है उनका, और इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या देखना, लड़का अच्छा है। देख ले, मैं तो इसमारा कह रहा, कभी फिर तू बाद में यूं कहवे हमारी आरती ज्यादा पढ़ी लिखी है, अनिल कम। ना ऐसी कोई बात ना है, तुम करो रिश्ता। ठीक है तो मैं सुखबीर को लेकर हो जाऊंगा। हाँ, मैं तेरी बातों से राजी हूँ, पर जो बात असंभव है वो संभव कैसे हो सके? इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है, गीता का रिश्ता भी पता नहीं जैसे तैसे करके ले लिया था, उनकी पैठ हमारे से बहुत ऊंची है, वो ना लेना का हमारा रिश्ता। प्रताप जी, एक बार बात करने में क्या अर्ज है?
तू समझ नहीं रहा, गीता का रिश्ता भी यूं ले लिया उन्होंने, अकेली लड़की है, ना माँ है ना भाई है, बाप की आंख मिस जाएगी, सब उन्हीं का। फिर भी ताऊ जी तुम एक बार चलो। बेटा मेरे चलने से कुछ नहीं होने का, मैं जानू उन्हें बहुत पहले से। कुछ होवे ना होवे मारे मन की रह जाएगी, तुम चलो एक बेर। चलो जब तुम कह रहे तो चलो भाई। देखो चोई साहब, आप आरती जैसी लड़की का रिश्ता हमारे घर में लेकर आए, हमारे बड़े भाग। वो जब लो इस घर में रही, पूरे परिवार में खुशी छाई रही, और इस बात में भी दो राय नहीं है कि आरती जैसी सुंदर पढ़ी लिखी और होनहार लड़की जिस घर में बहू बनकर जागी वो बड़े भाग वाला होगा। पर चोई साहब, रिश्ते जोड़ी देख के ही तो मिलाए जावे, जहां का मोती होगा वहीं तो पिरोया जाएगा। अब आरती जितनी सुपात्र है अनिल उतना है नालायक, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, यू रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो बुजुर्गों का कहना है कि घर हीणा बेशक हो वर हीणा नहीं होना चाहिए। आज तो भगवान की दी हुई मौज है, दोनों भाई साझे हैं और हम भी बैठे हैं, पर कल को जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो अनिल की गृहस्थी को कौन संभालेगा? आज हमारे जैसा खुश नसीब भी कोई नहीं कि ऐसा रिश्ता हमारे घर में आया, और हमारे जैसा बदनसीब भी कोई नहीं कि हम इस रिश्ते ने मंजूर नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात ना है पिताजी, अनिल भी बालक बुद्धि है, ऐसी जिम्मेदारी कंधे पे आवेगी तो काम भी करने लगेगा। आज तो तू बड़ा भाई मान के इस बात को कह रहा, पर कल को तू जब अलग हो जाएगा तब की सोच। चौधरी साहब, अनिल तुम्हारा बेटा है, मारे से ज्यादा अनिल के बारे में तुम ही जानते हो, और जिस तरह से आरती को तुम अपनी बेटी मान रहे और हमें उससे ऐसा लग रहा है कि तुम सारी बात हमारे भले की कह रहे हो, फिर भी तुमने अपने बेटे की कमी हमारे सामने रखे हमारे सारे रास्ते बंद कर दी। अनिल तुम चाहते तो यू ब्याह हो जाता। अच्छा चौधरी साहब, जैसी थारी मर्जी, तो चलते हैं। राम राम जी। चौधरी साहब देखे, मुझे गलत मत समझियो, यू फैसला मैंने आरती का बाप बनकर करा है, अनिल का नहीं। अच्छा जी राम राम। अच्छा जी राम राम। जब वे रिश्ता लेके खुद आए थे तो ब्याह करने में हर्ज के था। हर्ज ही हर्ज था, पहले कुछ कमा के तो दिखा। अगर मैं सारी उम्र ना कमाऊं तो तुम मेरा ब्याह ही ना करो। कतई नहीं करूं, ढेला कमाता नहीं, कोई हिल्ला नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, खुंटे की गैल बांध के उस छोरी की जिंदगी तबाह कर दूं मैं। तबाह? तबाह को के कमी है मारे, के नाम आ रहा है, और मेरी गैल ब्याह ना करके ऐसी कौन सी गारंटी है कि उसकी जिंदगी बच जाएगी? अच्छा, तेरी गैल शादी ना करके भी उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी? और के, जब तुम हमारा ब्याह ही ना करोगे तो वह कहीं और ब्याह करने की ना। तू मजनू है, रांझा है, अरे कौन है तू जो वह ब्याह ना करने की? मैं काहे को होता मजनू रांझा, बस इतना बता रहा हूँ, फिर मैं भी ब्याह ना करने का हूँ। अरे मत करिए तू, डर जा मेरी आंखों के आगे ते, कल का लड़का हमें समझावेगा, और ना कुछ करेगा तो कहीं झाड़ू लगाओगा। देख ले, मैंने पहले टाल करी थी, नाट गया ना वो, कर दी ना मारी बेइज्जती। भैया तुम भी कैसी बात कर रहे हो, कौन सी बेइज्जती कर दी उन्होंने मारी? बल्कि उन्होंने तो आरती की तारीफ ही तारीफ करी। देख तू उन लोगों की बात को नहीं समझ रहा, जब रिश्ता ना करना होता वो ऐसी बात बीच में ला मैं, वरना एक बात बताइए, इतनी जमीन जायदाद होते सोते वे अनिल के काम को ही बीच में क्यों लेकर आए? वहां के मारी लौंडिया भूखी मर जाती, बड़े लौंडे के कौन से पांच हाथ है जो वो कमेरा और अनिल नाकारा। और सुन, मुझे अकेले में ले जाकर यूं कह रहा था, कैसे कैसे आदमियों को साथ ले आवे तू? अरे कोई मुझे भी तो बताओ क्या बात होगी। कुछ बात बात ना हो रही, बात तो खराब हो गई। तू ठीक कह रहा, वाकई मेरी बेइज्जती होगी, अब मुझे बता मैं क्या करूं। इसमें करने की क्या बात है, तू भी रहपट का जवाब रहपट से दे। मारी आरती में गुण ही गुण है, इसे कौन सा रिश्तों की कमी आ रही? भाई रिश्ता उसी गाँव में होगा, मेरे वहां बहुत जानकार है, कहीं ना कहीं बात जरूर बनेगी, बाकी भगवान बड़ा। पिताजी ताऊ जी ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसी करना चाहिए,
तो तू देर मत कर, फौरन कहीं बात चला। मुझे रिश्ते का रह पट उसके गाल पे जल्दी से जल्दी मारना। आंसू
रोक पाऊं। तेरे के होया? वो मैनू कह रही हूं आरती घर आ जावे तो ठीक रहे। देख भगवान, मैं अनिल का बाप हूं, दुश्मन ना हूं। और इतना तो तू भी समझे है कि हमारा अनिल आरती के लायक ना है। वो चार दिन यहां इस घर में की रहेगी, अब मुझे तो बिल्कुल बेटी सी लगन लगी। बाद में उसका दुख देखा जाना मेरे बस की बात ना है। ऐसी बात ना है, समझ जाएगा वो, मैं समझा दूंगा। तब मेरे कहने से एक मौका तो देके देखो। भगवान, मौका काम का दिया जा सके है वो एक बार कहवे तो सही, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के भी उसका काम करवा सकूं हूं। पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मौका वो मैं उसे कैसे दे दूं? कल को लौंडी का ब्याह होने के बाद क्या उसे वापस भेजा जाएगा? तब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैंने अनिल को देख के अपनी आंखों से परेशान होते हुए, और उसकी बातों से लग रहा वो उसे चाहे। उसके चाहने तो क्यों हो रहा? पसंद उसे आरती भी करे। हैं? क्या कह रही तू? अजी, ये थरे मारे दिन ना रहे, और माँ बाप गए और बात पक्की करी आए। अब तो छोरा छोरी एक दूसरे को देखे पसंद कर ले, ब्याह हो जा। देखे ये सब शहर में होता होगा, गाँव में ना। हमारे खानदान में आज तक ऐसा होया कभी? और हमें देखे गांव में ही रहना है, गांव में हमारी बहुत इज्जत है। और बालकू ने जवानी के जोश में उल्टा सुधा कदम उठा दिया तो कौन सा यू गांव ना रहने का? अब गंगा का बहाव दूसरा हो गया है, गांव भी शहर भी एक ही है। तो ठीक है, तू कह दे इसे कि जब भी यू अपनी मेहनत से मुझे 100 रुपए भी कमा के देने लगेगा तो मैं इसका ब्याह कर दूंगा। मुझे के जरूरत है काम की? इतनी जमीन जायदाद होते हुए भी मैं काम करूंगा? मैं ना करता काम। बेटे, तू बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। अगर डाला ना जा और निकाले ही निकाले जावे तो बहुत बड़े बड़े भंडार खाली हो जाए। बातों से पेट ना भरता, पेट भरे रोटी से, और रोटी कमानी पड़े कमानी, समझा? मैं काम ना करने की तो न्यू बोल रहा था, इतना सब होते सोते मैं काम करूंगा? पर जब तुम इस बात पे तोल रहे हो तो मैं तुम्हें कल ही कमा के दिखा दूंगा। ले बेटा, दूध पी ले। ले, माँ इसकी के जरूरत है तो मैं वैसे ही कमा लाऊंगा। जो ना कमाए गए सांझ को अपने पिताजी को दे दिए। ले, अनिल उठ गया कि ना?
वो तो काम पे भी गया है? अरे आज दिन हो गया, बीरबल की खिचड़ी होगी, खत्म ही ना होकर देरा साला। सरक जा सरक जा। सांझ लोन भी बैठ रहे तो सांझी बन जाएंगे। अरे तू कैसे आया है? मैं घर हो गया तो चाची कह रही थी अके काम पे गया है तू। मैं तो तभी समझ गया तू कौन से किले जीतने गया होगा। सारे ठीक चेक करता करता यहाँ आ गया मैं। यार सुबह से शाम हुई ना है, पर ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से बैठा हूँ यहाँ। हाँ तो चल घूम फिर के आवे। अरे घूम के मैं ना, तू आओगा। मैं? हाँ पूरा सुन। अरे तेरी खोपड़ी खराब है, जल्लूस निकलवाएगा मेरा। अरे कुछ ना हो रहा, तेरे ते मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करता जा बस। ठीक है अब तो टाइम ना रिया, तड़के तड़क निपटा दूंगा इस काम को। माँ जी अभी ना आया अनिल। काम करने गया, काम करके ही आवेगा। कमाल है, जा इसे कुएं में डाल दे। अब जब कुएं में ही गिरवाने थे तो मैं कमान क्यों भेजा, मेरी सारी दोपहरी खराब करवा दी। हाँ जब मैं कह रहा हूं डाल दे इसे कुएं में। तेने जो कुछ भी करा ठीक नहीं करा। कल को अगर अनिल का भविष्य खराब होया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। मां मैं जा रहा हूं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान सा राखी। अच्छा माँ जा रहा हूँ मैं। वो सब्जी तो बनी धरी, तू कहते रोटी खा दू तो जाऊं। ठीक है जा। अनिल गया के? वो गया तो सही, पर आज माजी ने उसे पैसे ना दिए। पैसे ना दिए अब कैसे होगा, उसे तो जो बिना पता पैसा कमाया कैसे जा। कमाने जा रहे हो साहब, और जेब भी खाली है, ले। पिताजी को दे दिए ना। Thank you.
जेंका। ना आरती रो मत, रोने से कभी कोई बात सुलझी है? रोने तो क्या करूं मैं? तू भगवान पे भरोसा रख, वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। वो हमारी सहायता के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। हरिओम तत्सत। आप जाइए यहाँ से, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। चली कोणास पिंगल बंबुरु कृष्ण रोदास्तत यम शोरी शनिचरमम। ये बाबा है बड़ा दर्द निवारक, इसकी बूटी बड़ी अशरदायक, जल्दी से शरण में आओ बालक। प्रेम प्रसंग छूटा है, प्यार में दिल टूटा है, धाम उसका हरिपुर है, नाम उसका ऐसे शुरू है। अनि 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 शनि 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 अनि 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 आ गया राग समझ में। जतिन जतिन तुम? अनिल ने तुझे धोमी मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया। के बात है बाबा? यो निमगल तेल छ मात कलिगल कोल हिले चिर कलि मदद कलि को अंबाली चिर जिगनी मला जन को बल जल जगल चिर 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 मदद ते तोली कोले तेल जल कोले चिर मदद उ जल्ला बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह तू अल्लाह 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 दिन दिन धागे तेरे के तू ना कत्ता धागे तेरे के दिन धागे तेरे के दिन धागे तेरे के दिन धागे तेरे दिन रास्ते में मोड़ आया गट तोड़ आया करवा फोड़ आया मैं कनेक्शन जोड़ आया कनेक्शन जोड़ आया कनेक्शन जोड़ आया कनेक्शन जोड़ आया। सारा दिन खाली फिरने की बजाय आज कुछ काम ही करके देख लूं। भाई साहब रविंदर से मिलना है। क्या काम को ठीक ठाक से कर लो, क्या कर रहे हो तुम हैं? ठीक से कर ले, ठीक से। राम राम साहब जी। राम राम भाई आजा। साहब जी ये लड़का है गांव का, इसे काम की तलाश है। कोई काम वाम करन लगे तो के हिसाब किताब रहेगा? काम भाई यहाँ तो गांठ उठाने का काम है। गांठ उठाने का? एक गांठ का एक रुपया मिलेगा, जितनी गांठ उठाओगे उतने पैसे मिल जाएंगे, बाकी तेरी मेहनत है। अपनी गांठ अपने आप उठाओ, हमारे पे तो हैंगे 100 रुपए। अरे तू भी कैसे वर्कर लायक रहे। अनिल, आरती तू कैसी है? आरती कुछ मत कहो अनिल, थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो। अनिल अगर मेरी शादी किसी और के साथ हो गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनिल आरती तू घबरावे मत, शादी तो तेरी मेरी गैली होगी। और हाँ पिताजी ने मेरे से वादा करा है अगर मैं 100 रुपए कमा कर उन्हें रोज दूंगा तो वो तेरी मेरी शादी करा देंगे। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। वो क्या? मैं 100 रुपए ले जाके दूं और वे कुएं में गिरवा दें? पैसे कुएं में डलवा देते हैं? तुम कहां से कमा के लाते हो? कमाने की मुझे क्या जरूरत है, कल माँ ने दिए थे आज भाई दे गया। पागल उनका मतलब 100 रुपए से नहीं है, उनका मतलब तुम्हारी मेहनत से है। अगर तुम मेहनत से कमा के दोगे तो वो कुएं में नहीं डलवाएंगे। पर बात तो 100 रुपए की तय हुई थी, मैं उन्हें कहीं तक भी ला के दूं दे तो रहा हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे, उनका 100 रुपए कमाने का मतलब पैसा नहीं, तुम्हारी मेहनत है। मेहनत, और मुझे पूरा भरोसा है तुम जरूर मेहनत करोगे, मेरे प्यार के लिए, हमारे प्यार के लिए। ठीक है आरती, अब मैं पैसे उन्हें अपनी मेहनत से ही कमा के दूंगा।
ना लिया कमा के आगी ना एक दिन में ना नहीं याद। ओ मजनू के भूत, अरे कहां भीतर जा रहा तू? मैं तुझे कह रहा हूं उस दिन तो अधर उठा लिया घर सारा का सारा, राजपूत बन गया। अक मैं यू कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना कुछ बस कहना है। के बात है नील, तने तो कतई हद कर दी भाई। खान पीन को और पैसे चाहिए थे तो मेरे तो ले लेता, पर जो पैसे पिताजी को देने थे उनमें से तो खर्च ना करता तू। ले भाई, कल मैं पिताजी को अपनी कमाई से पैसे दूंगा। खाता जा बनी धरी, मैं आके खाऊंगा। अरे दूध तो पीता जा, मैं आके पीऊंगा। अरे सुन तो सही। अरे आके ही सुनूंगा। चलो फिर मिलेंगे, फिर देख लेंगे आके बाद में। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? ठीक है चलो बाद में बात करता हूं। बाबूजी मुझे काम चाहिए। अरे तुझे काम की क्या जरूरत है भाई, काम तो हम कर लेंगे, आप तो हैं कुर्सी पे बैठो। भाई साहब मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसे कमाने हैं। अच्छा काम करना? अरे यहाँ भाई इसे ले जा और वहां गट्ठर ढाने पे लगा दे। पिताजी पैसे। जा गिर देने कुएं में। तुम ही गिर दो, मेरे पे ना गिरे। ये तेरी पहली कमाई है इसलिए मैं रख रहा हूं, पर आएंगा रोज रोज देने के बजाय मुझे कमा के इकट्ठे दे दिया कर। अनिल ने दिए। मैंने ना दिया आज उसे पैसे। पता है तेने ना दिए, ये अनिल की मेहनत की पहली कमाई है।
बेटा दूध पी लिया, मेज पे धरी आई थी मैं। मकर राम राम, राम, राम जी, राम राम। शिव कुमार जी आओ बैठो, लो हुक्का पियो। चौसा मैं ना पीता हुक्का। अच्छा अच्छा, और सुनाओ कैसे आना हुआ? आना क्या था चौसा, 5,000 रुपए की जरूरत थी, अगले महीने ही लौटा दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे भगवान एक 5,000 रुपए ला दिए। चौसा एक बात समझ में नहीं आ रही, अनिल इतने बड़े परिवार को होते हुए फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, आप तो महाराज जैसे 100 को पाल दो। अरे मेहनत ही तो कर रहा है, चोरी तो ना कर रहा। काम करने तक कोई छोटा बड़ा ना होता, ना कभी कोई काम छोटा बड़ा होता। बड़ी बात तो ये है कि वो काम तो कर रहा है। शिव कुमार जी, जिन बालकों को कराया कराया मिल जाना, वो बाप दादा की जायदाद का नाश ही करते देखे हमने। अनिल करके तो खा रहा है, हमें इस बात का घमंड है कि अनिल हमारा बेटा है, हमारा गमेरा बेटा। जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को, हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो। ओ हो सारी दुनिया ना रोके डगर को, हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो। ओ हो दिखता है उसका जलवा, चारों तरफ मजा तो दिखता है उसका जलवा, उसने सिखाया जीना वो ही है मेरी दुनिया। बीते
बीतेगा अब खुशी ते जीवन का सफर है जो बीतेगा अब खुशी ते जीवन का सफर है जो बीतेगा अब खुशी ते जीवन का सफर है जो हो हो तुझको ही पाना है। कैसा गजब असर है उस मेरे यार का, कैसा गजब असर है उस मेरे यार का, तपती दोपहर भी लगे मौसम बहार का। जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो। कमान लग गया और मेहनती भी हो गया। अनिल और आरती के रिश्ते की बात इब कर लेते। हाँ पिताजी, अब तो अनिल सुधर गया है, अब करा दो इसका और आरती का रिश्ता। बेटी मैं करा तो देता, पर अब तो आरती का रिश्ता अश्वनी तो हो चुका। अश्वनी से? इसी वाले अश्वनी से? वो तो बहुत खराब लड़का, उसका तो पूरा का पूरा कुनबा खराब है, वहां तो आरती की जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ यही बात, यूं ही समझाने के लिए तो मैंने विनोद को भेजा था सुरेंद्र के पास, पर उसने इसे ही उल्टा सीधा कह दिया। कोई बात ना पिताजी, अगर बात बनती है तो बना लो। भाई देख, मेरी तो हिम्मत पड़ना रही अब वहां जाने की। पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो, मैं भी उसी घर की बेटी हूँ, मैं समझाऊंगी उन्हें। आरती का रिश्ता उन्हें मारे आना करना तो ना सही,
पर अश्वन की गाल करके मैं उसकी जिंदगी खराब ना होने देने क्यों। ठीक है बेटी, जैसी थारी मर्जी। काड़ू वो नहीं यार, अनिल की चेली। अच्छा वही जैसा साइकिल पे लिए फिरे था। हाँ वही वही। अरे क्या हुआ उसका? अरे मैंने सुना उसका रिश्ता हमारे गांव में हुआ है, और वो भी अश्वनी की गैल। अजी हाँ, क्या कह रहा तू राजू? अरे सही कह रहा मैं। अरे तुझे कैसे पता? अरे रात अश्वनी मेरे साथ बैठा हुआ दारू पी रहा था, तब पी के फिर उसने मुझे बताई। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब उनने मुझे बताई कि अनिल के आ रहे वह पेपर दे के गई है, तब मुझे विश्वास आया। अरे बहुत पिटा उसके चक्कर में उसने हमें। आज हमारी बारी है, चलो अश्वनी के दौरे चले। चलो चढ़ाऊंगे फिर बताऊंगे अनिल को। चलो चलो। अश्वनी के डबे भाई। अरे आओ भी आओ बैठो। अरे मैंने सुना तेरा रिश्ता आरती की गल्ला हुआ। हाँ, हुआ तो है यार, वह तो बहुत केली खाई है। अश्वनी उसका तो अनिल ने बड़े मजे लिए, कदी उसे साइकिल के पीछे बिठावे, कदी उसे साइकिल के आगे बिठावे हर टाइम। चलो पिताजी। राम राम। राम राम लाली, आ जा। अकेली आई है, पावना ना आया? घर में सब राजी खुशी तो है? घर में सब बढ़िया है, पिताजी आए साथ, अकेली ना आई हूँ मैं। फिर संदीप कहाँ रह गए? जोय साहब, आप तो खम्मा खा बड़े करे मेरे ऊपर। मेरे कहने का मतलब यूँ थोड़े ही है कि आप आरती का रिश्ता हमारे घर में ही करो, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस घर से नाता जोड़ना चाह रहे हो वो आरती के लायक ना है, उसमें तो अड़छड़ और बेईमानी भरी पड़ी। आरती मेरी बेटी है, तेरी ना है, उसके लिए की अच्छा है के बुरा उसका फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। और तुम जैसे दहेज के लोभियों को किसी को सलाह देने की औकात क्या है? कुछ भी ना। आप कैसी बात कर रहे हो जी साहब? दहेज का तुम्हारे घर में मतलब ही ना है, हमने तो बड़े बेटे का ब्याह भी बिना दहेज के कराया। पर मौसा जी, गिरगिट की तरह रंग बदल के, पीठ के पीछे कुछ और सामने कुछ कहने वाले बहुत लोग देखे हमने, हमें ना देनी दहेज के लोभियों को अपनी बहन। आंसू, तुझे छोटे बड़े से तमीज नहीं है बात करने की? तू चुप रहे, ठीक कह रहा हो। दहेज के लिए हमारे पास ज्यादा देने को कुछ ना है, किसी और का जाके दरवाजा खटखटाओ। और सलाह देने के लिए शुक्रिया चौधरी साहब, नमस्कार। नमस्ते। आज मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए, अक मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मतलब आरती उस घर की बहू न बन जावे, इसलिए तुमने उनके दिमाग में बहम डाल दिया, उनकी सच्ची बात को घुमा दिया, दहेज का ढोंग रच दिया। अब मुझे इस घर में एक पल नहीं ठहरना, जा रही हूँ मैं। बेटी सुन तो सही, मैं मानता हूँ मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैंने ये सब कुछ तेरी खातिर ही तो किया, तुझे उस घर में कुछ कमी ना हो, तेरे से कोई चीज छीन ना जावे। आरती तेरे से हर मामले में चार चंदे आगे, तेरी उस घर में कदर कम ना हो जावे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसका मतलब पिताजी तुम उस घर में मेरे लिए लड़का नहीं, पैसा और सुख साधन देख कर आए थे? ना बेटे, ऐसी बात ना है। यही बात है, अगर पैसे के अलावा तुमने इंसान की परख करी होती तो आज तुम उन लोगों को समझ गए होते, स्वर्ग से भी सुंदर है वो घर। और तुम्हारी इस हरकत ने अनिल और आरती के रिश्ते के बीच में जो बुरा असर पैदा किया है, पता ना कौन सा पश्चाताप तुम्हें भगवान से बचाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, लालच ने मेरी आंख बंद कर दी थी। जिस तरह तू मेरी बेटी है, आरती भी तो मेरे भाई की बेटी है, मेरी ही बेटी है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था, मैं पहला गया था। मैं तेरा गुनहगार हूं। चल चल सुरेंद्र भाई के पास चलते, अगर आज मैंने पश्चाताप नहीं किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, तो बाप पे से बेटियों का विश्वास उठ जाएगा। बेटी
ताऊ जी राम राम। भैया तुम जानो, तुम क्या कह रहे हो? देख भाई, बेटे के प्यार के लालच में मुझसे ऐसी गलती हो गई, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, तो आरती का ब्याह अनिल की गैल कर दे। हाँ चाचा जी, ये सही कह रहे हैं, और मेरी बात मानो तो अश्वनी से रिश्ता तोड़ दो, वो तो पूरा परिवार ही बेकार है। और अनिल की तरफ देखो, मैं मानती हूँ वो काम से जी चुराता था, लेकिन था है नहीं। आज वो आरती के लिए कितनी मेहनत, कितना संघर्ष कर रहा है, ये मैं आज आपको बता भी नहीं सकती। पर मैंने तो अनिल के पिता को बेइज्जत करके भगा दिया। यू के कर दिया? आरती को चाहने वाला लड़का फिर शायद ना मिले। चलो रोक लो उन्हें, मला लो उन्हें। अरे कैसे करनी सी काट रहा है? देखो मुझे जाने दो। अरे जाने की इतनी जल्दी क्या है, उस दिन की अधूरी मुलाकात को तो पूरी कर ले। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैंने ये सब काम छोड़ दिए। मेरी तो खेलने कूदने की उम्र है, ला यू जेब का माल हमें दे दे, ले लो इसे। छोड़ दो। बहुत मारा मन। I'm not going to be able to do that.
पिताजी मुझे एक मौका और दो पिताजी, मैं आपको फिर पैसे कमा के दिखाऊंगा पिताजी, मैं आपको फिर इकट्ठे करके दूंगा पैसे। सब कुछ खत्म हो गया अनिल, कुछ नहीं बचा अनिल, कुछ नहीं बचा। मौसा जी मैं घर छोड़ के आई हूँ मौसा जी, मुझे अपने साथ ले चलो मौसा जी, मैं आज से आपके साथ ही रहूंगी मौसा जी। आरती बेटे, आज भी हमारी नजर आवत तेरी वही इज्जत है जो पहले थी, आज भी हम दिल तक अपने परिवार की बहू बनाना चाहवा तने, पर बेटे इस तरह नहीं जिस तरह से तू अपने घर की मर्यादा लांघ कर आई है। मैं मानता हूँ कि आज सुरेंद्र मेरे तो नाराज है, पर इसका मतलब यो तो नहीं कि मैं अपनी गलत हरकत करके उस परिवार के कलंक लगा दूं। तू वापस लौट जा बेटे, तू वापस लौट जा बेटे, तू चली जा वापस। भाई साहब मुझे माफ कर दो, तुम दोनों के दिलों के बीच गलत फहमी की दीवार पैदा करने वाला मैं ही हूं, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ जो इन बालकों को भुगतना पड़ रहा और आप दोनों परिवारों में फूट पड़ गई, मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझे माफ कर दो। हाँ भाई साहब मुझे माफ कर दो, मेरी भूल हो गई, मैं सच्चाई को नहीं समझ पाया, बहकाए में आ गया था। मौसा जी हमसे गलती हुई है जो हम आपकी सही बात को भी गलत मान बैठे, और हम मानते हैं हमसे गलती हुई है और हम इसके प्रायश्चित के लिए तैयार हैं। हाँ पिताजी इन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, अब आप भी मान जाइए। बेटे मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से तैयार हूँ, अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो वो भगवान नहीं हो जाएगा, मुझे कोई गिला सिखवा नहीं चाहिए। आ बेटे सच जहाँ का मोती हो वहीं तो पिरोया जाएगा। अब तू जाके नहा लिए बेटे। जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो।